5-6 लेक्चर अभी और होंगे। तो पिछली बार हमने चर्चा करी थी टेंपल रूम एटिकेट्स की, अर्थात कि मंदिर में पालन किए जाने वाले नियमों की चर्चा हुई थी, दो बार हो चुकी है। तिलक कितने प्रकार का होता है, तिलक जो है कितने प्रकार का होता है, क्यों लगाना चाहिए, कब लगाना चाहिए, बॉडी को डेकोरेट क्यों करना चाहिए, तिलक कैसे लगाना चाहिए, तिलक जो है क्या सिग्निफाई करता है, क्या उसका लाभ है, तिलक से क्या रिप्रेजेंटेशन होता है, तो ये जो है थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि तिलक क्या, जब तिलक लगाते हैं ये तिलक क्या है, दो रेखाएं जी लिखते हैं कि तिलक का अर्थ यह है कि ये हमारी जो आत्मा है उसका आभूषण है। तिलक जो है हमारी आत्मा का आभूषण है। नंबर भागवतम के 14वें स्कंध के 12वें अध्याय के 28वें श्लोक में लिखते हैं, कलयुग में सोना या आभूषण प्राप्त करना कठिन है, किंतु शरीर शुद्ध करने के लिए उस पर 12 स्थानों पर लगाए जाने वाले तिलकों की सज्जा ही पर्याप्त है। मतलब सोने के आभूषण पहनते हैं हम लोग, डायमंड के आभूषण पहनते हैं हम लोग, उनके मुकाबले में जो तिलक है इसको आभूषण के तौर पर हम लेते हैं तो ये भी जो है हमारे लिए पर्याप्त है, हमें और किसी आभूषण की आवश्यकता नहीं। ये हमारी आत्मा का आभूषण, सोना पहनते हैं, डायमंड्स पहनते हैं, हीरे जवाहरात पहनते हैं, तो किसका आभूषण है, शरीर का। पर तिलक जो है वो हमारी आत्मा का आभूषण। तिलक जो है जो वैष्णव लगाते हैं अपने शरीर के अंदर, ये हमको जो है याद कराते हैं कि हम भगवान कृष्ण के शाश्वत दास हैं, हम उनके शाश्वत दास हैं। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि तिलक कितने प्रकार के होते हैं। आमतौर पर जब हम देखते हैं आसपास तो तिलक जो है बहुत कॉमनली जो हमको देखने में मिलते हैं वो तिलक कितने प्रकार के हैं, 12 जगह लगाते हैं। हम तिलक की टाइप्स पूछ रहे हैं। So, तिलक जो है उसके अंदर दो मुख्य टाइप गिनी गई है, नंबर एक ऊर्ध्व पुंड और नंबर दो त्रिपुंड। एक ऊर्ध्व पुंड होता है और एक त्रिपुंड होता है। तो ऊर्ध्व पुंड जो तिलक है वो कौन लगाता है और जो त्रिपुंड तिलक है उसको कौन लगाता है। त्रिपुंड के अंदर क्या होता है, पुंड का मतलब होता है रेखाएं, त्रि का मतलब तीन। तो जो वर्टिकल तीन रेखाएं जो है माथे के ऊपर लगाई जाती है उसको जो है शिवजी के भक्त शैवाइट्स होते हैं वो लगाते हैं, और ऊर्ध्व का मतलब होता है ऊपर की तरफ जाने वाला, ऊपर। तो जो तिलक के अंदर जो है रेखाएं ऊपर की तरफ जाती है उन रेखाओं को जो है विष्णु भक्त लगाते हैं, अर्थात वैष्णव लगाते हैं। तो एक त्रिपुंड जो कि शिव भक्तों की पहचान है और दूसरा ऊर्ध्व पुंड जो कि वैष्णव भक्तों की पहचान। अब जो हम यू बनाते हैं, यू देखेंगे आप तिलक के अंदर जो है यू बना होता है, ये यू का मतलब क्या है, जो तिलक के अंदर दो रेखाएं उसके साथ जो यू बनता है इसका अर्थ क्या है, किसलिए है, क्या रिप्रेजेंट करना है। तो ये रिप्रेजेंट करता है, शास्त्र कहते हैं कि भगवान विष्णु की जो एड़ी है उस एड़ी को रिप्रेजेंट करता है, और उसके नीचे जो तुलसी का पत्ता बनाया जाता है वो जो पत्ता बनाया जाता है जो ओवर गोल पार्ट होता है उसको जो है वो तुलसी भी, तुलसी के पत्र को जो है तुलसी के पत्ते को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर कोई ये जो है एक्नॉलेज करना चाहता है, ये बताना चाहता है कि मैं भगवान कृष्ण का सर्वेंट हूं, शाश्वत दास हूं, तो उसको जो है अपने माथे के ऊपर ये तिलक धारण करना चाहिए। अगर आप समझें कि आपके पास जो है कृष्ण के प्रति उतनी भक्ति नहीं है जितनी की चाहिए, फिर भी अगर आप कृष्ण भक्ति की ओर अग्रसर हैं तो भी आपको जो है तिलक धारण करना चाहिए।
अगर एक व्यक्ति जो है कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है तो उसका जो पहला चिन्ह है, जो पहली पहचान है, वो है कि उसको माथे के ऊपर जो है तिलक को धारण करना चाहिए। अब प्रश्न ये है कि कुछ लोग सवाल करते हैं, ये तो बात आपने बता दी, परंतु और बताएं कि हमें जो है इस आत्मा के आभूषण से अपने शरीर को क्यों डेकोरेट करना चाहिए, क्यों हमें जो है शरीर को क्यों डेकोरेट करना चाहिए। प्रभुपाद जी इसके बारे में लिखते हैं, व्यक्ति ये समझता है कि मेरा जो शरीर है वो भगवान का मंदिर है और मैं इस मंदिर को अपने लिए सजाने के बजाय भगवान के लिए सजाना चाहता हूं। मैं इस मंदिर को अपने लिए सजाने के बजाय भगवान के लिए सजाना चाहता हूं, इसको नष्ट नहीं करना चाहता या इसमें गंदगी कंटेमिनेशन कलमश नहीं आने देना चाहता। अब चूंकि ये जो है भगवान कृष्ण का निवास स्थान है, भगवान हमारे हृदय में परमात्मा रूप से विराजमान है, इसलिए जो है हमें उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उनको आदर और सम्मान देना चाहिए, इसलिए हमें शरीर का भी आदर और सम्मान करना चाहिए। इसके बाद लिखते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो है आत्मा भी है और परमात्मा भी है, दोनों रहते हैं। जिस तरह आप एक मकान को बनाते हैं और मकान के स्वामी के लिए उस मकान को सजाते हैं, इसी तरह जो शरीर है ये भगवान इसके स्वामी है और हमें जो है भगवान को प्रसन्न करने के लिए इस शरीर को सजाना चाहिए। किस तरह से? तिलक के साथ। तिलक की सज्जा करके हमको इस शरीर को समझाना चाहिए, संवारना चाहिए। ये हमें रिमाइंड कराता है कि हम भगवान कृष्ण के सेवक हैं। जब हम किसी तिलकधारी को नहीं देखते, वैसे व्यक्ति को देखते हैं जिसने तिलक को धारण नहीं किया हुआ है, तो हमारे मन में तरह तरह के विचार आते हैं, पाप में विचार भी आ जाते हैं। परंतु जब हम किसी जो है ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसने तिलक धारण किया हुआ है, तो हमारे मन के अंदर उसके प्रति जो है हमेशा अच्छे विचार रहते हैं, भक्ति के विचार रहते हैं, आदर सत्कार मान सम्मान के विचार रहते हैं, उसके प्रति कभी निष्कृष्ट विचार नहीं आते। फिर लिखते हैं कि भगवान जो है जब हम तिलक लगा लेते हैं, 12 जगह तिलक लगा लेते हैं, तो भगवान हमको सब तरह से रक्षा करते हैं। जब भगवान ने किसी को तिलका दासी का नाम दिया, इसका मतलब ये उन्होंने बताया तिलक आती है विक्ट्री पर्सोनिफाइड, अर्थात जीत जो है वो विजय जो है वो साकार रूप लेके आपके सामने उपस्थित हो गई है। अब किस पे विजय है? ये विजय किस पे आगे बताएं कि जो 12 तिलक लगाते हैं इससे हम किस पे विजय प्राप्त कर रहे हैं, कौन हमारी जो है इस तिलक लगाने के बाद भगवान हमारी जो सहायता करते हैं वो सहायता किस रूप में होती है और हमें उसका क्या लाभ होता है, हमें किस चीज पे किस वस्तु पे विजय प्राप्त होती है। अब प्रश्न ये है कि आपको तिलक लगाना कब चाहिए, तिलक को लगाना कब चाहिए, किस समय? नहाने के बाद, मतलब स्नान करने के बाद हमको जो है तिलक को लगाना चाहिए, ठीक। और रात में सोने के टाइम, और प्रभुपाद जी लिखते हैं कि आप तिलक को किसी भी समय लगा सकते हैं, एनी टाइम, पर बेस्ट टाइम जो है इसको अप्लाई करने का वो तब है जब आप नहा के आए या शॉवर लेके आए, और पूजा के दौरान, वर्शिप के दौरान, घर के अंदर करें या मंदिर में करें, आपको तिलक लगाना आवश्यक है। जब आप एक संपूर्ण परिवार के साथ जो है पूजा में है, अर्चना में है, तो सारा परिवार जो है उसको तिलक लगाना चाहिए और कम से कम जो आरती कर रहा है उसको तिलक लगाना आवश्यक है, उसके लिए असेंशियल है। जब आप रथ यात्रा में जाते हैं, किसी और सेवा में जाते हैं, मंदिर में सेवा में जाते हैं, तब भी जो है सब मेंबर्स को तिलक लगाना आवश्यक है, और सब
सबसे ज्यादा आवश्यक कब है? प्रभुपाद जी लिखते हैं ईदर बिफोर समवन डाइज और जस्ट आफ्टरवर्ड्स इज डेथ। मतलब जब कोई जो है मृत्यु के सनिकट है, मृत्यु आने वाली है, तब उसको तिलक धारण कराना आवश्यक है, और नहीं तो उसको जो है मृत्यु के बाद भी तिलक लगाया जा सकता है। अगर आप उसके माथे के ऊपर तिलक लगा देते हैं तो उसको जो है शाश्वत लाभ प्राप्त होता है, इटर्नल बेनिफिट। कहते चूंकि मृत्यु किसी भी समय आ सकती है, इसलिए तिलक को हर समय लगाना आवश्यक। और मॉडिफाई कर दिया, क्योंकि मृत्यु किसी भी समय आ सकती है, इसलिए तिलक को हर समय लगाना आवश्यक। और कई बार आदमी कहता है कि पब्लिकली तिलक लगाऊंगा तो लोग बुरा मानेंगे, क्या कहेंगे, कैसे बोल देंगे, क्या हो जाएगा, इसलिए तिलक नहीं लगाता, टाल देता। परंतु इसके बारे में जो है प्रभुपाद जी ने एक स्टोरी सुनाई है कि फैक्ट्री के अंदर जो है सब लोग तिलक लगा के आते थे, सब भक्त थे, तो उस फैक्ट्री को अल्टीमेटली एक मुसलमान ने खरीद लिया और उसने जो है फैक्ट्री के अंदर सबको एक हिदायत दे दी कि कल से कोई तिलक लगा के नहीं। तो बड़ी मिलता मुस्लिम हूं तिलक नो तिलक, कोई तिलक लगा के नहीं। जब सब लोगों ने जो है अगले दिन बिना तिलक लगाए आए, परंतु एक भक्त ऐसा था जो कि तिलक लगा के आ गया, तो उस मुस्लिम मालिक ने कहा कि सब लोगों ने जो है मेरे आदेश का पालन किया है, परंतु इसने भगवान के आदेश का पालन किया है, इसलिए आज के बाद मेरी फैक्ट्री में केवल यही व्यक्ति तिलक लगा के आया करेगा और कोई तिलक लगा के नहीं आएगा। केवल यही व्यक्ति, उसी को परमिशन दिया तिलक लगाने के लिए, और किसी को तिलक लगाने का परमिशन नहीं। अब नक्शल में बात करते हैं कि तिलक जो है वो जो हमारी लाइन हम लगाते हैं, उसके नीचे गोला बनाते हैं, मतलब नीचे तुलसी का पत्ता बनाते हैं, ये सारा जो है इनका अलग अलग शास्त्रों में क्या क्या इनके बारे में बताया गया। एक मैंने आपको बताया कि जो दो लाइनें हैं ये विष्णु की एड़ी के मार्केट है। अब दूसरा कहते हैं कि जो वर्टिकल लाइन जो दो रेखाएं हैं जो कि ऊपर उर्ध्व रेखाएं जा रही हैं, ये जो है विष्णु भक्तों को क्या डिमार्केट करती है, क्या क्या डिनोट करती है, पता है? एनीबॉडी? तो हो गया ना कि आप सब तो पहले चर्चा हम कर चुके हैं, शरणागति। मैं बता दूं सर? हाँ जी। दिन ब दिन तरक्की करो, दिन ब दिन आप आराम से बैठे, बहुत बढ़िया बताया। एक बात बताती है कि हम लोग चैतन्य महाप्रभु के डिसिप्लिक सक्सेशन में हैं, हम लोग जो इस काम में लगाते हैं, ये बताती है कि हम लोग जो है चैतन्य महाप्रभु की लाइन में जो है उनके जो है डिसिप्लिक सक्सेशन में है, हमारी परंपरा जो है वो चैतन्य महाप्रभु से होकर नीचे आ रही है। नंबर दो, जो ऊपर जो दो रेखाएं हैं ये मैंने पहले बताया विष्णु की एड़ी के समान है, और जो लीव है वो जो नीचे बोला है वो तुलसी जी। ऐसा भी कहते हैं कि जो दो लाइनें हैं वो राधा कृष्ण मंदिर की दीवारों को रिप्रेजेंट करती हैं, दीवार वॉल्स। और जो बीच में लाइनें हैं, जो बीच में स्थान है, वो राधा कृष्ण का रहने का स्थान है, निवास स्थान। शिवजी जो है पार्वती से बताते हैं कि तिलक के मध्य भाग के अंदर जो है लक्ष्मी और विष्णु का निवास स्थान है, और नीचे जो है तुलसी का पत्ता जो है वो विराजमान है उनकी सेवा के लिए। कुछ वैष्णव जो कि दो लाइनें लगाते हैं, उनका मतलब ये है कि एक लाइन ब्रह्मा जी को रिप्रेजेंट करती है, एक लाइन शिव जी को रिप्रेजेंट करती है, और जो बीच का जो स्थान है भगवान कृष्ण को, भगवान विष्णु का निवास स्थान है, उनका एबोड है, उनका वैकुंठ है। जो रामानुजाचार्य संप्रदाय है उसके अंदर कैसा तिलक होता, कोई वैष्णव है उनका तिलक कैसा होता, उनके जो है दो लाइनों के बीच में लाल लाइन होती है, तो कहा जाता है कि जो लाल लाइन है वो लक्ष्मी की, और दो लाइनें जो है जैसे बताया एक
कुछ शास्त्र कहते हैं कि जो दो लाइनें हैं ये यमुना नदी के दो किनारे, एक किनारा एक लाइन है, दूसरा किनारा दो लाइन है, बीच में यमुना जी कह रही है। कुछ लोग कहते हैं कि जो ये दो लाइनें हैं इनमें एक राम जी हैं, एक लक्ष्मण जी हैं, बीच का जो स्थान है वो सीता जी है। तो अलग अलग वैष्णव जो है अलग अलग तरीके से जो है इसका रिप्रेजेंटेशन महसूस करते हैं, इसका जो इसका अर्थ निकालते हैं, इसका भाव निकालते हैं। अब सवाल आता है कि तिलक को लगाना कैसे है, हाउ टू पुट तिलक। कितने लोग जानते हैं अच्छे तरीके से तिलक को? स्नान करने के पश्चात एक स्वच्छ वस्त्र पहनने के बाद एक स्वच्छ आसन यदि संभव हो तो कुशा घास की चटाई पर बैठकर 12 स्थानों पर ऊर्ध्व कुंड या विष्णु तिलक लगाए। स्नान घर में तिलक लगाना वर्जित है, शरीर पर तिलक लगाने का अर्थ है विभिन्न प्रकार की सेवाओं का प्रयोग करना। हम भगवान की सेवा में जितनी प्रकार की भगवान की सेवा है उतनी सेवाओं में हम उपस्थित रहें। ऊर्ध्व कुंड तिलक में मस्तक एवं अन्य भागों पर खड़ी दोनों रेखाएं शरणागति का प्रतीक है। परम पुराण और यजुर्वेद में कहा गया है ऊर्ध्व कुंड चिन्ह भगवान के चरण कमल है। ऊर्ध्व कुंड तिलक अपने मनमाने ढंग से न लगाकर भगवान विष्णु के नाम का उच्चारण करते हुए मन से भगवान का उस स्थान पर आवाहन करते हुए लगाए। जहां तिलक लगा रहे हैं वहां भगवान का नाम उच्चारण करना है। कौन सा नाम उच्चारण करना है ये मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा। और यहां पर जो है आपको भगवान का आवाहन करना है कि जब शरीर पे तिलक लगाते हैं तो आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है। यदि व्यक्ति भगवान के नाम का स्मरण करते हुए तिलक लगाता है तो भगवान स्वयं शरीर के उस स्थान पर निवास करते हैं। आपने आवाहन कर दिया ना तो भगवान वहां पर आके निवास करते हैं। इस तरह ये शरीर भगवान का शुद्ध मंदिर बन जाता है और भक्त अपना शुद्ध शरीर को शुद्ध करके भगवान की सेवा में अर्पित करता है। अच्छा फूल देंगे या गंदा फूल देंगे, कैसा देंगे? तो अच्छा शरीर भगवान की सेवा में अर्पित करेंगे कि गंदा शरीर अर्पित करेंगे? तो अच्छे शरीर के लिए आप जो है जब तिलक लगा लेते हो तो आपका शरीर शुद्ध हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि तिलक लगाते समय यदि भक्त दर्पण में या पानी में अपना प्रतिबिंब ध्यान पूर्वक देखता है तो सीधा भगवान के पास जाता है। हरि बोल, हरि बोल। हरिभक्ति विलास में, हरिभक्ति विलास जो है ग्रंथ है सनातन गोस्वामी द्वारा लिखा गया जिसमें कि सारे जो है पंचरात्रिक विधियां और सारी चीजें बताई गई हैं, सब एक्सप्लेन किया गया है। वहां बताते हैं कि यदि तिलक अपने आकार में सुव्यवस्थित ना हो, रंग अथवा भौतिक दृष्टि से भक्त के संप्रदाय के अनुसार ना भी हो तो भी उसमें अनन्य विशेषताएं हैं। मान लो आप बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे लगना चाहिए वैसे नहीं भी लगा पाए हैं तो भी कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, परंतु फिर भी इस बात का ध्यान रखें तिलक टेढ़ा नहीं हो, मस्तक के मध्य भाग में हो और कहीं और ना हो और गंदा नहीं, ये चीजों का जो है ध्यान रखना आवश्यक है। अब आया तरीका कि तिलक को लगाना कैसे है। तो जैसे अभी बताया कि तिलक को आपने जैसे यहां से यहां डाला है, मटेरियल क्या होना चाहिए उसके? तिलक के लिए मटेरियल क्या चाहिए? और पानी, गोपी चंदन और पानी। अगर मान लीजिए आपके पास गोपी चंदन नहीं है तो क्या करेंगे आप? खाली पानी से, चंदन की लकड़ी से घिस लें। गोपी चंदन कहां से आता? ब्रज से नहीं आता। गोपी चंदन जो है ब्रज से नहीं आता, गुजरात में जगह है जहां से तालाब जो है उससे गोपी चंदन निकाला जाता है और वो जो है आपको यहां पर मिलता है, छोटे छोटे पीसेस बने हुए वहां पे मिलते हैं जो गुजरात के अंदर जो द्वारका
शहर जहाँ भगवान ने राज्य किया है, द्वारकाधीश जिसकी वजह से कहलाते हैं, वहां से जो है गोपी चंदन आता है। अब आता है कि अगर आपको गोपी चंदन नहीं मिल पाता है तो आप क्या करते हैं? सिंपल है, पानी लगा लो। अरे भाई, पानी और गोपी चंदन के बीच में कुछ और भी है क्या? और क्या है पानी में और गोपी चंदन के बीच में और क्या है जिसको आप यूज कर सकते हैं? ब्रज की रज, राधा कुंड की रज, ठीक है। और तुलसी का जो प्लांट है उसके नीचे जो मिट्टी होती है उसको भी आप ब्रज की जगह इस्तेमाल कर सकते हो। यमुना नदी के किनारे की जो मिट्टी है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। यमुना नदी के किनारे जो कुम्हार है जो वहां बर्तन बनाता है उसकी जो मिट्टी है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। ब्रज की रज को इस्तेमाल कर सकते हो, किसी भी रज को जो है आप उनमें से इस्तेमाल कर सकते हो। ब्रज मतलब पूरा ब्रज, सिर्फ ओनली वृंदावन नहीं, ब्रज मीन्स गोवर्धन भी है, राधा कुंड भी है, श्याम कुंड भी है, किसी भी स्थान की रज जो है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब जो उन्होंने पानी की बात करी है, पानी की ऑप्शन कहाँ है? पानी की ऑप्शन दो जगह पे है। नंबर एक कि जहां पर आपको इनमें से कुछ भी अवेलेबल नहीं, और नंबर दो कि आप ऑफिस में हैं या बिजनेस में हैं या किसी ऐसे कार्य में हैं जहां आपको लगता है कि आपके कार्य में कोई हिंड्रेंस आएगी, मतलब असफलता होगी या लोग पसंद नहीं करेंगे, वहां पर आप जो है पानी का इस्तेमाल कर सकते हो। परंतु पानी कौन सा होना चाहिए? विच वाटर? गंगा जल और राधा कुंड का पानी। राधा कुंड का जल, राधा कुंड का जल कितना ले आओगे भाई? मान लिया तुम्हारी बात, जो दक्षिण भारत में बैठे वो जल मिलता ही नहीं, कहां से लाएंगे? तो अमेरिका में बैठे हैं, इंग्लैंड में बैठे हैं, न्यूजीलैंड में बैठे हैं, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, उनके लिए जो है जल कितना ले जाएंगे यहाँ से? मुश्किल हो जाता है। अभिषिक्त जल, जहां जिससे भगवान का चरण प्रशालन किया गया है, भगवान चरणामृत है, उस जल का इस्तेमाल कर सकते हैं, नंबर एक। नंबर दो, और कौन सा जल है इसके अलावा? और कौन सा जल है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं? तुलसी जल। तुलसी जल, वो कौन सा जल होगा? अब चलिए मान लिया बात आपको, आप किसी भी जल को शुद्ध करके, किसी भी जल को जो है शुद्ध करके उस जल को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब शुद्ध करने की विधि क्या है? मंत्र द्वारा। कौन सा मंत्र लगते हैं जी? प्रसाद लगाने के टाइम में तीन मंत्र है। भगवान के मंत्र सारे प्योर हैं, कोई भी इस्तेमाल किया जा सकता है, परंतु ऐसा कहा जाता है या तो आप जो है हरे कृष्ण महामंत्र का तीन बार उच्चारण कर लें, नंबर एक। बेस्ट तरीका जो है वो क्या है कि आप प्रार्थना करते हैं, गंगा चे यमने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु, कि ओ गंगा जी, ओ यमुना जी, ओ गोदावरी जी, ओ सरस्वती जी, ओ नर्मदा जी, ओ सिंधु जी, ओ कावेरी जी, कृपया इस जल में उपस्थित हो जाइए। और उसका तरीका होता है कि आप जो है अपनी ये वाली उंगली जो है, ये वाली, इस उंगली के साथ जो है जल को टच करते हैं, ये उंगलियां सारे पीछे कर लेते हैं और जल के साथ इस उंगली को टच करते हैं, इसको जल के अंदर रखते हैं, जल उंगली जो है जल के अंदर डल जाती है और आप उस जल को जो है इस्तेमाल करते हैं। इवन जब भगवान को अभिषेक करते हैं तब भी जल पहले ऐसे तैयार करना चाहिए। कोई भी कार्य आप भगवान के लिए करते हैं तो पहले नदियों को वहां पर उपस्थित करा लेते हैं, जिससे कि जल जो है वो शुद्ध जल ही भगवान को अर्पित किया जा सके। अब आज ये बात की जैसे भी माता जी बता रही थी कि तिलक को जो है लगाना कैसे कैसे लगाना है जी, आप बताइए जरा। लेफ्ट हैंड के ऊपर जो है आपके लिए
गोपी चंदन जो है क्ले मतलब गोपी चंदन जो है उसको आप लगा लेते हैं। क्या केयर लेनी चाहिए? केयर है प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क में अपने भक्तों को निर्देश दे रहे हैं, कहते हैं अपने हाथ में गोपी चंदन घिसते समय उसे नीचे ना गिराएं, उसे व्यर्थ ना करें, क्योंकि गोपी चंदन अत्यंत मूल्यवान सस्ती चीज नहीं है। यदि ये नीचे गिर जाए तो तुरंत उस स्थान को साफ करते बाएं हाथ में तिलक बनाते समय मस्तक पर लगाते समय योग के नाम उच्चारण करें। जो नाम उच्चारण है योग के नाम उच्चारण करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात प्रत्येक व्यक्ति को अपना शरीर 12 स्थानों पर तिलक लगाकर सुशोभित करना चाहिए। जो व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का नियमित जप ना करता हो एवं नियमों का पालन ना करता हो उसे कम से कम मंदिर परिसर के बाहर तिलक नहीं लगाना चाहिए। मंदिर में आए तो लगा ले, मंदिर के बाहर तिलक नहीं लगाना चाहिए। अब आपने जो है उसको अपने हाथों के अंदर जो है लगा लिया, अब उसके बाद क्या करेंगे? ये हाथ आपने घिस लिया, उसको घिसने के बाद क्या करेंगे? बताएं। आप पहले मंत्र का ध्यान करेंगे, मंत्र का उच्चारण करेंगे। मंत्र पता है सबको, उसमें लिखा हुआ है, निर्देशिका जो पुस्तक है उसके अंदर लिखा हुआ है, ललाटे केशवं ध्यायेन नारायणो मथोदरे वक्षस्थले माधवं तु गोविंदं कंठकूपके विष्णु च दक्षिणे कुक्षो बाहु च मधुसूदनं त्रिविक्रम कंधरे तु वामनं वाम पार्श्वके श्रीधरम माम बाहो तू ऋषिकेश तू कंदरे पृष्ठे च पद्मनाभम च कट्याम दामोदरम नश्येत। ये 12 स्थानों की चर्चा है। चतुर्थ चतामृत के मध्य लीला के 20वें अध्याय का 202वें श्लोक के परपट के अंदर जो है प्रभुपाद जी इसकी सारी विधि जो है एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि आप जब बाएं हाथ के अंदर जल लेंगे, पहले जल लेंगे, आप जल पहले आपने शुरू किया हुआ है, उस जल को लेने के बाद उसके अंदर जो है गोभी चंदन को या क्ले को रज की रज को जो भी अवेलेबल है आपके पास उसको थोड़ा सा मसलेंगे घिसेंगे तो आपको एक पेस्ट बन जाएगा। उस पेस्ट को आपने जो है इस उंगली से लेना है, यही लेते हैं वाले श्योर, यही लेते हैं ना, इस उंगली से लेना है और इससे लेने के बाद आपने जो है दोनों भावों के मध्य से इसको ऊपर तक खींच लेना। खींचने के बाद जो है अब आपको बीच का भाग खाली करना है, साफ करना है, तो वो कैसे किया जाए? उसके लिए एक एडिशनल रिकमेंडेशन है और एक प्रोहिबिशन है। प्रोहिबिशन क्या है कि आप उसको नाखून से साफ नहीं करें। कई लोग जो है कहते हैं कि नाखून से जो है जल्दी से साफ हो जाएगा, तो ब्रह्मांड पुराण के अंदर लिखा है कि उसका मध्य भाग जो खाली रहना है उसको नाखून के साथ नहीं साफ किया जाता। उसके लिए आप यूज करना चाहें तो एक कपड़े को गीला करके उससे जो है बीच का हिस्सा साफ कर सकते हैं। दो रेखाएं बन जाएंगी, जब मस्तक के ऊपर जो है आप तिलक लगाएंगे तो आप जो है ओम केशवाय नमः इसका नाम उच्चारण करेंगे, उसके बाद नाभि के पास लगाएंगे तो ओम नारायणाय नमः, छाती पर लगाएंगे तो ओम माधवाय नमः, कंठ पे लगाएंगे तो ओम गोविंदाय नमः, फिर पेट के दाहिने ओर लगाएंगे तो ओम विष्णुवे नमः। अब आपको इसके बाद लगाना है दाहिने हाथ की बाजू पे, फिर दाहिने हाथ के कंधे पे, और इस उंगली से आप कैसे लगाओगे? फंस गए। तो तिलक को यहां से दाएं हाथ से उंगली से लेने के बाद फिर आप बाएं हाथ की इस उंगली से यहां से तिलक उठाएंगे और उसके बाद जो है आप इन दो जगह पर तिलक लगाएंगे। जब आप दाहिने हाथ की बाजू पे लगाएंगे तो ओम मधुसूदनाय नमः, जब कंधे पे लगाएंगे दाएं हाथ पे तो ओम त्रिविक्राय नमः। इसके बाद फिर जो है आप वही दाएं हाथ की जो है दर्जनी उंगली है उसके साथ लगाएंगे तो पेट के बाईं ओर ओम वामनाय नमः, उसके बाद बाएं हाथ की बाजू के ऊपर जो है ओम श्रीधराय नमः, फिर बाएं कंधे के ऊपर ओम ऋषिकेशाय नमः, फिर पीठ के ऊपर सर के पास गर्दन के एकदम नीचे लगाएंगे तो ओम पद्मनाभाय नमः, और कमर में लगाएंगे तो ओम दामोदराय नमः,
इसके बाद जो है जो बचा हुआ जो है इसको अपना इकट्ठा करके शिरा के ऊपर सर के ऊपर लगा दें, वहां उच्चारण करेंगे ओम वासुदेवाय। आपने जो है 12 जगह पर जो है तिलक को लगा, जैसे मैंने पहले बताया कि आप पद्म पुराण पढ़ेंगे, ब्रह्मांड पुराण पढ़ेंगे, तो इन सबके अंदर जो है आपको चर्चा मिलेगी कि तिलक जो है उसको कैसे लगाना। पद्म पुराण में तो बड़ी सुंदर चर्चा करी हुई, पूरा एक चैप्टर है इसके ऊपर, तो सब चर्चा कर रखी है कि आपको किस तरीके से लगाना। अब अच्छी बात तुलसी लगाना, तुलसी को कैसे लगाना, तुलसी को लगाने का क्या रूल है, फिर दाहिने हाथ की इसी उंगली के साथ जो है तुलसी बनाएंगे। और उसकी रेगुलेशन क्या है कि नाक का 2/3 हिस्सा तुलसी से कवर हो जाना चाहिए, छोटा सा नहीं बना देना निशान के लिए, ये इतना बनाना है कि अगर नाक को आप 3 हिस्सों में बांट देते हो उसका जो 1/3 हिस्सा नीचे वाला जो है वो खाली रहे और ऊपर के 2/3 हिस्सा जो है वो आपका तुलसी के पत्ते की तरह जो आप तिलक लगाएंगे उससे घट जाए। तो ये तो चर्चा हुई हमारी तिलक के बारे में। अब थोड़ी सी चर्चा है कि पवित्र वस्तुओं का प्रयोग कैसे करना चाहिए, पवित्र वस्तुओं का प्रयोग। आध्यात्मिक पुस्तकें, जप माला, करताल इत्यादि वस्तु भूमि पर अथवा स्वच्छ स्थानों पर ना रखें, अस्वच्छ स्थान हो या भूमि हो उसके ऊपर नहीं रखना है। पूजनीय वस्तुओं के समान ही इन वस्तुओं का भी आदर करें। करताल, मृदंग, झांझ, ये जितनी भी वस्तुएं जो है भगवान की सेवा में प्रयुक्त तो होती है ये सब बलराम जी का एक्सपेंशन है, इसलिए उनका अनादर नहीं किया। किसी भी पवित्र वस्तु को पैर से स्पर्श ना करें, जो कार्य हाथों से हो सकते हैं उनके लिए व्यर्थ में पैरों का प्रयोग न करें। जब खड़े हैं थोड़ा इसको ऐसे खिसका देते हैं, वैसे नहीं, उसको हाथों से ही यूज करना है, उसको पैरों से यूज नहीं करना। यदि कोई पवित्र वस्तु आपको धरती पर पड़ी हुई मिल जाती है तो उसको तुरंत उठाए, मस्तक से स्पर्श करते हुए उसको यथा योग्य स्थान पर। ग्रंथ, भक्त, प्रसाद, भगवान को अर्पित किए हुए पुष्प और अन्य पवित्र वस्तुएं, इनको कभी लांग कर नहीं जाए, छलांग मार के यहां से वहां चले गए ऐसा नहीं, शॉर्टकट नहीं करें। कि भक्त बैठे हैं उनको नहीं लांगना है, ग्रंथ है उसको नहीं लांगना है, भगवान है उनको नहीं लांगना है, भगवान से भगवान को अर्पित जो पुष्प है उनको नहीं लांगना। कथा आती है चैतन्य चरितामृत के अंदर, चैतन्य महाप्रभु शिष्य है गोविंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु की सेवा क्या करते थे, मालिश करते थे, बदन दबाते थे। तो एक दिन जो है चैतन्य महाप्रभु दरवाजे के अंदर सो गए, भक्त जो है उसने देखा कि मेरी सेवा में व्यवधान हो रहा है, चैतन्य महाप्रभु को लांग गया और सेवा आरंभ कर दी। सेवा करता रहा करता रहा करता रहा करता रहा, जो दोपहर के प्रसाद का समय था वो निकल गया पर वो सेवा में लगा हुआ। जब चैतन्य महाप्रभु की निद्रा टूटी तो उन्होंने उससे पूछा कि भाई तुमने प्रसाद पा लिया, बोला नहीं, बोला क्यों, बोला आपकी सेवा में लगा था, प्रसाद पाने के लिए आपको लांग के जाना पड़ता, वापस आना पड़ता मेरे को बाहर और फिर मैं किचन की ओर जाता, प्रसाद हॉल जाता जहां प्रसाद पाता, तो प्रसाद पाने के लिए मैं आपको लांग कर जाता, वो मैं नहीं किया। चैतन्य महाप्रभु मुस्कुरा के बोले कि तुम मेरे को लांगे तो हो, तुम उधर थे और सेवा कर रहे इधर आए हो, मुझको लांगे तो आए हो, पाप नहीं लगेगा। तो गोविंद ने कहा कि आपकी सेवा के लिए मैं लाखों पाप लेने को तैयार हूं परंतु अपनी पेट भरने के लिए एक भी पाप करने को तैयार नहीं। आपकी सेवा के लिए मैंने आपको लाना है, किसके लिए, आपकी सेवा के लिए, अपने लिए नहीं हो, अपने अपनी जिह्वा के लिए, अपने पेट के लिए, अपने आनंद के लिए मैंने आपको नहीं लाना, मैंने आपको किस लिए लाना है कि आपकी सेवा में कमी ना रहे।
इसलिए जो है ध्यान रखना है कि कोई भी वस्तु जो है जो भगवान को अर्पित की हुई है उसको हमें कभी लांघना नहीं चाहिए। अब आपने पवित्र वस्तु एक से दूसरे को देनी है तो फेंकिए मत, उसको फेंकना नहीं, उसको जो है सरकाना भी नहीं है, उसको आदर से पकड़ाना। जैसे हम जब प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे उसमें भी ये बात आएगी कि जो प्रसाद दे रहा है उसको भी ठीक से देना है और जो ले रहा है उसको भी ठीक से देना। वो ऐसे चपाती ऐसे नहीं फेंक देनी, होता है कई बार आप देखते हैं जो फाइट्स होते हैं ऐसे फेंक देते हैं, ऐसे नहीं करते। ऐसी वस्तुओं का लेन देन अत्यंत सावधानी पूर्वक करें। जप माला ग्रंथ एवं गोपी चंदन कभी भी ऐसी पवित्र वस्तु स्नान घर में नहीं लेके जाएं। गुरु तथा भगवान कृष्ण की प्रतिमा को अत्यंत सावधानी पूर्वक एवं आदर के साथ प्रयोग में लाएं। गुरु की प्रतिमा हो, फोटो हो, लेमिनेशन हो, भगवान की फोटो हो, लेमिनेशन हो, प्रतिमा हो, दोनों को जो है आदर पूर्वक इस्तेमाल करना है, आदर पूर्वक प्रयोग में लाना है। ऐसे नहीं, हरि नाम चादर पे हरि नाम लिखा होने की वजह से, छपने की वजह से यह पवित्र वस्तु हो जाती है, उसको जमीन पर स्पर्श नहीं होने दें। हरि नाम उड़ने वाले भक्तों को उसे उतारने के बाद यथा योग्य स्थान पर ही रखना चाहिए। इसी तरह भगवान के नाम प्रिंट जो होते हैं टी शर्ट पे, शर्ट पे, कुर्तों के ऊपर, उसको भी जो है बहुत ध्यान पूर्वक रखना चाहिए, ऐसे फेंकना नहीं चाहिए। वाज पारा करो, फेंक दो, ऐसा नहीं। दंडवत करते समय इस बात की सावधानी बरते हैं कि हाथ में अथवा गले में लटकी जप माला का भूमि से स्पर्श ना हो। दंडवत करने से पूर्व उसे निकालकर यथा योग्य स्थान पर रखें या उसको दोनों हाथों के ऊपर रख के जो है आप दंडवत कर सकते हैं। वस्त्र, आभूषण, बर्तन इत्यादि जो सामान है जो अर्च बिगड़े से संबंधित है उसको उपयोग करने में भी अत्यंत सावधानी होनी चाहिए। अर्थात कपड़े एवं बर्तन जो है यथा योग्य स्थानों पर रखने, कपड़ों को अच्छे तरीके से लपेट के रखे, गुड़मुड़ करके नहीं, टाइम का मैं जरूर किया रख दिया, ऐसा नहीं। अगर अस्वच्छ स्थल या अस्वच्छ वस्तुओं से आपका स्पर्श हो जाता है उसके बाद विग्रह की किसी वस्तु को स्पर्श करने से पहले हाथ को धोना चाहिए, दोनों काम एक साथ नहीं। भगवान कृष्ण और उनसे संबंधित वस्तु इनमें किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं है, उनका अनादर करना भगवान का अनादर करना है और इससे हमारे हृदय में शुद्ध भक्ति का उदय होना असंभव है अगर हम जो है भगवान से कनेक्टेड जो वस्तुएं हैं उनका अनादर करते हैं, क्योंकि इनका उपयोग भगवान कृष्ण की सेवा में होता है, इसलिए ये वस्तुएं सामान्य न होकर पूज्य है, हमेशा स्मरण रखना। अब थोड़ी सी पर्सनल हैबिट्स, व्यक्तिगत आदतें। आपकी आदत क्या है, आपकी आदत क्या है, आपकी आदत क्या है, अपने में इंट्रोस्पेक्शन करने का कि क्या मैं ठीक मार्ग पे हूं या ठीक मार्ग पे नहीं। कितने लोग तैयार हैं अपने बारे में सुनने के लिए, आत्मचिंतन करने के लिए, अपने बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, यस आई एम ऑन द राइट ट्रैक, अल्लाह का राइट ट्रैक। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के प्रति गंभीर है उन्हें प्रातःशीर यदि संभव हो तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले। उसके पश्चात ठंडे पानी से स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए, पूर्व की कार्यों का शुभारंभ करना चाहिए। ये बड़ी मुसीबत की बात है। मुश्किल हो गया ना, इसमें एक एक्सक्यूज है, इसमें भी एक लूप होल है, एक लैकुना है। जो ठंडा पानी कहा गया है इसका मतलब है ताजा पानी जो कि हमें कुएं से प्राप्त होता है अंडरग्राउंड। हम जो पानी यूज करते हैं टंकी का पानी यूज करते हैं, इसलिए उस पानी को गर्म किया जा सकता है, उसका लेवल हाँ, अगर आपके पास बर्मा है या मोटर लगी हुई है तो आप मोटर का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, डायरेक्ट मोटर के पानी में नहाएंगे, सर्दी हो या गर्मी हो आपको कुछ फर्क नहीं महसूस होगा। तो ठंडे पानी से यहाँ पर तात्पर्य जो है उस पानी से है जो कि धरती के अंदर से हमको ऑन द स्पॉट उपलब्ध होता है,
कई बार लोग इसको जो है मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, अजी मैं तो टंकी के ठंडे पानी से नहाता हूं, तो एक घंटा ठट्टर लेके बैठा रहता हूं। नो, हमको अपने शरीर को इतना कष्ट नहीं देना। निमिल लिखे सभी परिस्थितियों में स्नान करना आवश्यक। नंबर एक, प्रातः उठने के पश्चात। नंबर दो, दूसरा शौच क्रिया करने के बाद। नंबर तीन, बस बहुत हो गया, बहुत नहाली है जी। क्यों जी? बहुत नहाली है। अधिक गर्मी में पसीना जब ज्यादा आ जाता है तब भी नहाना आवश्यक है। ये आप किसी कारण से दूषित हो गए, जैसे क्रीमेशन में चले गए, किसी क्रीमेशन वाले जिनकी डेथ हो गई है उसके यहां चले गए, किसी भी जगह आप जो है दूषित हो जाते हैं, तो तब भी आपको जो है स्नान करना आवश्यक है। एंड लास्ट ऑफ ऑल, अगर आप पानी करवट एक घंटे से ज्यादा सो जाते हैं तो, या लेट जाते हैं तो, मैं कई बार आदमी कहता बहुत थके हैं, सवेरे के जागे हुए थे, या थकावट बहुत हो गई, चलो थोड़ा लेट लेते हैं, एक आधा घंटा लेट लेते हैं तो शाम के लिए फ्रेश हो जाएंगे। पर अगर आप पानी करवट लेते हैं और एक घंटे से अधिक लेट गए हैं, तब आपको जो है उस वक्त भी स्नान करना आवश्यक है। लिखा है क्लियरली, मां कुक्षी क्या होती है? बाई करना। व्यक्तिगत स्वच्छता एवं स्वास्थ्य तत्व, आरोग्य तत्व का पालन करें, नाखून छोटे छोटे तथा स्वच्छ हो, काटे के नाखूनों को तुरंत कूड़ेदान में डालें। श्री गोस्वरूप गोस्वामी तो दांतों की स्वच्छता के विषय में भी विस्तार से लिखते हैं। अब आजकल तो हम जो है दांत मंजन से नहीं, महामंजन से, वो क्या है, टूथपेस्ट से मांगते हैं। कौन सी टूथपेस्ट यूज करते हैं जी? जोबल जी। टेक्निकली तो नील की दातुन करनी चाहिए जो उपलब्ध नहीं है, बबूल उपलब्ध नहीं है, दातुन की उपलब्ध नहीं है, लकड़ी कहां मिलती है आजकल, पेड़ काट नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, बबूल टूथपेस्ट है, आप पेड़ काटने जाइए सुप्रीम कोर्ट आपको पकड़ लेगा। कहने का मतलब यह है कि आमतौर पर हम लोग ब्रश इस्तेमाल करते हैं, तो ब्रश करते हुए हमें जो टूथपेस्ट यूज करनी है उसके ऊपर एक क्रीम डॉट होना चाहिए, जो लिखा जाता है प्योरली वेजिटेरियन। जो भी हम टूथपेस्ट यूज करें उसके ऊपर जो है देख लें स्पष्ट रूप से कि प्योरली वेजिटेरियन होनी चाहिए, उसके अंदर कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो नॉन वेजिटेरियन हो। और जो लोग हर्बल टूथपेस्ट यूज करते हैं उसमें तुलसी नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखें। कुछ हर्बल टूथपेस्ट के अंदर तंबाकू होता है, कौन सी में होता है? एनीबडी? अगर आप जो है लाल दंत मंजन करते हैं, चाहे वो एमडीएच की हो या डाबर की हो, लाल टूथपेस्ट करते हैं उसमें तंबाकू मिला होता है। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं। और कोई ऐसी टूथपेस्ट ना यूज करें जिसके अंदर तुलसी के लिए हो, क्योंकि तुलसी भगवान की प्रेसी है, महारानी है, उनको जो है दांतों में मसल नहीं सकते। मूत्र विसर्जन करने के बाद मूत्र करने का स्थान अर्थात अपनी इंद्रिय और हाथ पैर धोने चाहिए। शौच से आने के पश्चात अच्छी तरह साबुन लगा के हाथ धोना चाहिए। ब्राह्मण दीक्षित भक्तों को शौच जाने से पूर्व यज्ञ बलिद को दाएं कान पे लपेटना चाहिए। बहुत सिंपल सिंपल सी बातें हैं। प्रसाद ग्रहण करना, जप माला पर जप करना, कोई भी वस्तु अर्पण करना अथवा किसी भी वस्तु का लेन देन करने से पहले दायां हाथ प्रयोग करना चाहिए। एक बात ध्यान रखिए, हम लोग कहीं कई बार जो है प्रसाद ग्रहण कर रहे होते हैं, बोला एक चपाती पकड़ाना, तो बाएं हाथ से उठा के पकड़ा देते हैं। रॉन्ग भैया, तो अपने आप लेंगे या कोई सर्व करना, देना जब है तो दाएं हाथ से ही देना, बाएं हाथ का प्रयोग नहीं करना। कई लोग लेफ्टी होते हैं, खाना बाएं हाथ से खाते हैं, उनको भी जो है खाना मतलब प्रसाद जो है दाएं हाथ से ही खाना चाहिए, चाहे वो लेफ्ट हैंडर हो, उनको जो है बाएं हाथ का प्रयोग नहीं करना। प्रतिदिन रात्रि में 6 से लेकर
6.5 घंटे सोना चाहिए। कुछ नियम है 24 घंटे बिताने के, तो क्या नियम है 24 घंटे आपको किस तरीके से बिताने हैं? पता चुका हूं पहले मेरा क्या लिख पाने 24 घंटे को अगर आप 4 भागों में बांटो, एक भाग में कितने घंटे बनते हैं? 6 घंटे सो गए आप, 6 घंटे आपको चाहिए जीविका जीविकोपार्जन अर्थात जीवन यापन करने के साधन जुटाने के लिए, 12 घंटे निकल गए, बाकी बचे 6 घंटे। 6 6 2 बार आएंगे ना, अगले 6 घंटे किसके लिए है? आपको अपनी बाहरी और आंतरिक स्वच्छता के लिए, प्रसाद पाना है, नहाना है, ठीक है, जप करना है, ये सारे के अंदर जो है आपके 6 घंटे इस्तेमाल होंगे। और आखिरी 6 घंटे तो बच गए, स्पेयर हो गए, फालतू हो गए, वही उनका क्या किया जाए? आखिरी 6 घंटों का क्या किया जाए? ये तो एक्सेस हो गया। तो उसको जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं भगवान नाम के प्रचार, साधना पढ़ना है आपको, आप ज्ञान प्राप्ति, सत्संग में जाना है, कथा करनी है, कथा सुननी है, भगवान नाम का प्रचार करना है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, अर्थात जो भी आपके कार्य जो है जो भगवान नाम से उनके नाम के प्रचार से कनेक्टेड है, वो 6 घंटे आपको उसमें इस्तेमाल। परंतु 6 घंटे रात्रि में सोना है, और अगर आप इससे अधिक नींद लेते हो या कम नींद लेते हो तो कृष्ण भावनामृत के खिलाफ है। मैंने बताया ना, दिन में अगर 1 घंटा सोते हो तो आप धाओ नहीं, दाएं तरफ सोएंगे नहीं, सो नहीं सकते आप, या आप मुक्त करते हो अपने आप, करवट बदल दिया नहीं बदल। सोने के लिए भूमि अथवा कठोर पृष्ठभाग का प्रयोग करें, संभव हो तो आरामदायक कोमल एवं मुलायम गद्दों का प्रयोग न करें। बहुत कष्ट, और जिनकी कमर में दर्द है, जिनकी तकलीफें हैं, वो डॉक्टर के अनुसार जैसा गद्दा वो बताए वैसा गद्दा प्रयोग दाहिने करवट सोना अति उत्तम है, यदि संभव ना हो तो पीठ के बल सोना चाहिए, पेट के बल सोना निषिद्ध है, पेट के बल नहीं सोना चाहिए। साबुन दंत मंजन बिजली पानी ये सब कुछ भगवान कृष्ण की शक्तियां है, अतः इनका अपव्यय न करें, जहां जहां जब जब आवश्यकता ना हो उस समय बिजली एवं पंखा बंद रखें, फालतू न चले। भगवान की जो भी संपत्ति आपको उपलब्ध है इस भौतिक संसार के अंदर उसका उपयोग कम से कम करें, जिम्मेदारी पूर्वक करें, किसी प्रकार का खर्च करने से पहले स्वयं से प्रश्न करना चाहिए कि क्या ये भगवान की अच्छी प्रकार से सेवा करने में सहायक है या नहीं, क्या जो मैं खर्च कर रहा हूं या जो मैं खर्च कर रही हूं वो भगवान की सेवा में प्रयुक्त होगा या मेरी सेवा में प्रयुक्त होगा, ये प्रश्न करेंगे तो आपका जो खर्चा है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस होता चला जाएगा। सदैव स्वच्छ कपड़े पहने, चोरी नहीं करें, अपशब्द नहीं बोले, झूठ नहीं बोले, दूसरों से ईर्ष्या नहीं, ईर्ष्यालु पतित पापी दुश्मन व्याभिचारी अपव्ययी फंसाने वाला ठग झूठा इन व्यक्तियों का संग नहीं करे, अर्थात अभक्तों का संग। उसी प्रकार व्याभिचारी स्त्री या व्याभिचारी पुरुष का भी संग नहीं करे, कभी भी अकेले प्रवास नहीं करे, क्योंकि मन में गलत गलत ख्याल आते हैं, गलत गलत भाव आते हैं। छींकते समय जमाई लेते समय हाथ को हाथ से मुंह को ढक ले, जोर से नहीं हंसे और जोर से कभी वायु भी नहीं निकाले। रात्रि के समय शमशान उद्यान एवं व्याभिचारी स्त्री का संग नहीं करे, चलो रात हुई है पार्क में घुमाते हैं, शमशान घाट तो रात को जाते ही नहीं है बैंड, और ऐसी भी जगह पर जो है आपको रात्रि के अंदर अपने आप को बड़ा केयरफुल रखना पड़ेगा। पतित व्यक्तियों का आश्रय नहीं लें, वरिष्ठों की सभा में उनके सामने पैर नहीं फैलाएं, आपसे जो सीनियर डिवोटीज बैठे हो उनके सामने अगर आप बैठे हैं
अपने पैर फैला के नहीं बैठना, दूसरों के सामने अपने पैरों को सदैव ढक के रखें, सड़क पर लघु शंका नहीं करें, आमतौर पर देखा गाड़ी थोड़ी थोड़ी चल रही चालू हो गए वो बैंड है वो ठीक नहीं, भोजन ग्रहण करते समय थूके नहीं, स्वयं के बच्चे अथवा शिष्यों के अतिरिक्त किसी को भी सिखाने के लिए गुस्सा नहीं करें, स्वयं के बच्चे अथवा अपने शिष्य उनको सिखाने के लिए गुस्सा कर सकते हैं थोड़ा बहुत, परंतु किसी दूसरे के ऊपर गुस्सा करने का अधिकार नहीं है, किसी के ना तो सर पे कुछ मारे ना उसके बाल खींचे, किसी ने अगर आपका अपमान किया है तो स्थान को तुरंत छोड़ दें, उससे बहस नहीं करें, रेसिप्रोकेट नहीं करें, उसके ऊपर जो है गुस्सा नहीं करें, उसका अपमान नहीं करें, उस जगह को तुरंत छोड़ दें, स्वयं की स्तुति न करें, नग्न स्त्री या नग्न पुरुष का चित्र नहीं देखें, मुख या नाक में उंगली डालने के बाद तुरंत धो लें, नाक साफ किया जाके धोना आवश्यक, जोर से दरवाजा बंद नहीं करें, यद्यपि ये साधारण दिखाई देने वाली गलतियां हैं किंतु इनका परिणाम आपके मन को विचलित कर देता है, और जब मन विचलित हो जाता है तो आप भगवान की तरफ अपने आप को विचलित नहीं कर पाते, ये जो कार्य है अगर आप ये सारे कार्य जो है करते हैं जो कि मतलब प्रोहिबिशंस है उनके ऊपर आप जो है तो गौर नहीं करते हैं, गलत कार्य करते जाते हैं तो ये जो है तमोगुण के लक्षण है, गैर जिम्मेदार लक्षण है, इससे व्यक्ति आलसी बनता है और तमोगुण में चला जाता है, और तमोगुण का रिजल्ट क्या होता है, निम्न यूनिया और निम्न लोक, नैतिक नियमों का पालन करना आध्यात्मिक संस्कृति का एक महत्वपूर्ण भाग है। अब आती है चर्चा कि कीर्तन कैसे करना चाहिए, नृत्य कैसे करना चाहिए, बोलना कैसे चाहिए और प्रचार कैसे करना चाहिए, रसोई घर के अंदर क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ठीक है जी। तो एक इसमें से कर लेते हैं, अभी ये क्या रूल है हमारे पास, दस एक टाइम है, हो गया समाप्त हो गया, हो गया शुद्ध सत प्रभु, दस मिनट पहले नृत्य कर लेते हैं। मंदिर में अथवा अन्य सत्संग के स्थान पर कीर्तन का प्रतिनिधित्व करना एक बहुत बड़ा सम्मान है, क्योंकि ये भक्त विग्रहों के समक्ष सभी भक्त वृंदों का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है, अतः उपयुक्त भागों की जानकारी रखते हुए तथा वरिष्ठ भक्तों की आज्ञा होने पर ही किसी भक्त को कीर्तन का प्रतिनिधित्व करना चाहिए, इसको आम भाषा में कहते हैं आई लीड भक्त है, नरसिंह आरती करनी है, ये नहीं जिसकी मर्जी आए वो बैठ गया, पहले जो वरिष्ठ हैं उनसे परमिशन होनी चाहिए कि आज कौन करेगा, जिसकी जिम्मेदारी हो जिसकी ड्यूटी हो वही आरती करेगा वही कीर्तन लीड करेगा, हर व्यक्ति अपने आप आके आगे आके लीडर बनने का प्रयास न करे, केवल प्रमाणिक भजनों को ही गाए, जो भजन आपकी परंपरा में चले आ रहे हैं उन्हीं को गाए, जो फिल्मी स्टाइल भजन है जो टीवी पे भजन सुन लेते हैं हम लोग, इनको उच्चारण करना इनको गाना कीर्तन के अंत में बोले जाने वाली प्रेम ध्वनि प्रार्थना जय हम विष्णु पाद जब हम करते हैं तो उसमें जो कौन करेगा, जो मंदिर में सबसे वरिष्ठ भक्त है उसको ये उच्चारित करनी चाहिए, जैसे कोई प्रभुपाद शिष्य हो कोई सन्यासी हो कोई सीनियर डिवोटी हो उनको जो है इसका उच्चारण करना चाहिए। हमारी परंपरा के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के आविर्भाव दिन हमारे वैष्णव आचार्य हैं उनका प्राकट्य दिवस और तिरुभाव दिन उनका अप्राकट्य दिवस, ऐसे महत्वपूर्ण सत्संगों के अलावा जो सारे सामान्य सत्संग होते हैं उसमें प्रमाणिक प्रेम ध्वनि ही बोली जानी चाहिए, अपनी मर्जी से कुछ ऐड नहीं करना चाहिए। जब कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति का उस दिन आविर्भाव है तिरुभाव है तो उसके नाम की प्रेम ध्वनि साथ में ऐड कर दी जाती है, एडिशनल हो जाता है। विशेष सत्संगों के दिनों में दिन विशेष के अनुसार अन्य प्रेम ध्वनि के साथ विशेष व्यक्ति का भी गौरव करना चाहिए, दिन के अलग अलग समय के अनुसार निश्चित भजन निश्चित राग में ही गाना चाहिए, जैसे कि मंगल आरती एक विशेष राग में ही गाई जाती है, अपनी मर्जी से ट्यून नहीं बना लेनी, एक राग
राग है, उसका एक पर्टिकुलर ट्यून है, उसी के अनुसार गाना चाहिए। कीर्तन का जो प्रतिनिधित्व कर रहा है, जो लीड कर रहा है, उसे इतना सिंपल तरीके से गाना चाहिए कि सारे लोग उसको फॉलो कर सके, सब लोग आराम से उसके पीछे पीछे कीर्तन कर सके। अन्य भक्तों को प्रमुख गायक के राग में ही भजन को गाना चाहिए। अब ध्यान पूर्वक सुनिए, जिस राग में, जिस टून में, जिस स्वर के अंदर, जिस जिस मधुरमा के साथ जो है भक्त ने गाया है, लीड किया है, उसी राग में, उसी मधुरमा के साथ, उसी स्वर के अंदर आपको गाना चाहिए। मृदंग एवं करताल वादकों को प्रमुख गायक के आसपास रहना चाहिए। प्रमुख गायक की ओर अच्छी तरह ध्यान देते हुए उसके गायन के वेग के अनुसार वाद्य यंत्रों के वेग को कम ज्यादा करके सदैव तालमेल बैठाते रहें। अतः करताल तथा मृदंग वादकों का अति कुशल होना आवश्यक है। प्रातःकालीन कार्यक्रमों का सामान्य क्रम विभिन्न प्रकार से हो, संसार दावानंद प्रार्थना पर पंच तत्व मंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र, हरे हरिये नमः, कृष्ण यादवाय नमः, कीर्तन का लगभग आधा भाग, हरे कृष्ण महामंत्र का गायन होना आवश्यक है। मंगल आरती की बात बताई जाए, प्रातःकालीन कार्यक्रम के समय गाए जाने वाले गुरु मास्टर नरसिंह आरती, तुलसी आरती इत्यादि अलग अलग प्रार्थना की प्रत्येक पंक्ति केवल एक बार ही बोली जाए। अगर पंक्तियां दो दो बार बोल देते हैं, पंक्तियों को एक एक बार ही बोलना चाहिए। जहां एक से अधिक करताल वादक है या मृदंग वादक है, उनको एक दूसरे के साथ ताल मिलाना आवश्यक है। कीर्तन केवल उच्च स्वर में गाना ही पूर्णता नहीं है, उसको सुर ताल तथा सुनने में मधुर होना चाहिए। ये भी बात गुरुबाज जी लिखते हैं कि इसमें शब्द की बहुत इंपॉर्टेंस है, तो जो सुनने वाला है उसके कानों के अंदर जो है शब्द जाने चाहिए, तो वाद्य यंत्र जो है उससे थोड़े हल्की आवाज में होनी चाहिए। केवल क्या होता है, जहां जितने जोर जोर से बोलती है तो सामने वाला लीड कुछ और कर रहा है, पीछे वालों कुछ और समझ में आ रहा है, वो कुछ और गा रहा है, तो जो सामने के जो आपके जो है करताल बोल रही है, मदन बोल रही है, ये सब इतनी आवाज में होना चाहिए कि पीछे वालों को जो आवाज, जो शब्द है, जो उच्चारण है, बिल्कुल स्पष्ट सुनाई देना चाहिए एकदम। तो अगली बार से करेंगे हम लोग चर्चा नृत्य के बारे में, बोलने के बारे में, प्रचार के बारे में और रसोई घर के बारे में, और फिर प्रसाद वितरण, प्रसाद सेवन वगैरह वगैरह की चर्चाएं होंगी। आज इतना ही। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गौरताई भगवान की जय, ताई गौर प्रेमानंद।